यो लैंड 56। एक बार थोड़ा रेस पे पहुंच दियो, रेस पे आवाज बहुत ही शानदार और जानदार जो ये ट्रैक्टर की आवाज है, 56 CRD इंजन का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। स्पीड देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। ट्रैक्टर बहुत ही साइलेंट जो है ट्रैक्टर है। नमस्कार, जय जवान जय किसान। आज आपके लिए भारत का पहला जो है CRDI इंजन न्यू होलैंड 56 ट्रैक्टर आपके लिए लेके आए हैं। आज इसका रिव्यू करेंगे, हर चीज़ जो है आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर की लुक देखो आप, न्यू होलैंड 56। मैंने पहले 56-20 बोला था, ये 56-30 है, प्लस ट्रैक्टर है ये। और कितने जो है शानदार स्टिकर में जो है ये ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। सामने माथे पे जो है न्यू होलैंड का शानदार लोगो, और जो है नीचे जो है ये जाली लगी हुई है डिजाइन वाली, जिससे एरिया बढ़ जाता है और हमारे रेडिएटर पे ठंडी हवा जो है लगातार लगती रहे। सामने जो है वेट जो है इसमें 6 वेट जो है कंपनी ने इसके अंदर से दे रखे हैं। सामने चूल्हा CNH का, और जो है ये फ्रंट एक्सल और जो है फ्रंट टायर मैं आपको दिखा दूँ, गुडियर कंपनी के 12/4/28 के इसके फ्रंट टायर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और साथ में जो है मुरगाड दे रखे हैं, हैवी जो है फाइबर के प्लास्टिक के मुरगाड, नीचे जो है ऊपर नीचे जो है इसमें पत्ती दे रखी हैं, जिससे जो है ये टूटेगा नहीं। किसानों को शिकायत रहती थी ये टूटने की, और कितनी मोटी। साथ में ये सीट बेल्ट जो है जमींदार आसानी से जो है इसको बांध सकता है, और साथ में जो है हाथ की रेस्ट करने के लिए बोतल बॉक्स पीछे, और जो है ये PTO की क्लच अलग से दी गई है, और जो है ये PTO का लीवर जिससे जो है किसान उल्टी सुलटी रिवर्स मल्टी स्पीड PTO जो है ले सकता है, और बाकी सारे स्विच एडजस्टेबल सीट यहाँ पे दी गई, और मोबाइल का चार्जर के लिए अलग से जो है यहाँ पे जगह दी गई, किसान आसानी से जो अपना मोबाइल यहाँ पे रख सकता है। पूरा काट लेते हैं कंपनी वाला ना, 3 घंटा। कितनी मोटी जो है ये इसकी जो है मुरगाड की सेफ्टी के लिए जो है ये दे रखा है। आगे वाला जो एक्सल है ये क्रॉस में, और जो है हिस्सा बहुत ही शानदार हिस्सा इस ट्रैक्टर में दे रखा है। और ये जो है स्टाइलिश लुक इस ट्रैक्टर का, न्यू होलैंड 56 थ्री पीस बोनट में, ना कि सिंगल पीस में, थ्री पीस बोनट में। और ये जो है हीट गार्ड, जिससे जो है गर्म हवा जो है किसान तक जमींदार तक ना जाए, बहुत ही शानदार स्टाइलिश पकड़ने के लिए। और जो है इसमें ग्लास दे रखा है, और साइड माउंटेड साइलेंसर इस ट्रैक्टर का, और इसमें जो है वार्निंग हॉट सरफेस की जो है वार्निंग इस ट्रैक्टर में दी गई है। और ये यहाँ पे जो है ये वाटर सेपरेटर इसका, जिससे जो है डीजल जो है इसमें पानी जो है वापसी का, और जो पानी अगर टंकी में आ जाए तो वो जो है हमारे पंप तक ना जाए, जिससे कोई भी जो है नुकसान ना हो। इसको जो है ऑन ऑफ जो है किसान यहाँ से कर सकता, मान लो ट्रैक्टर कहीं खड़ा है तो इसको ऑन ऑफ कर सकता है। आगे कोई फिल्टर वगैरह की सेफ्टी है या फिर इसकी सर्विस करानी है तो यहाँ से जो है आसानी से बंद करके जो है करा सकता है। नीचे जो है सेंसर दिया गया है, जिससे जो है मीटर में किसान को दिखा देगा कि इसमें जो है पानी आ चुका है। और ये नीचे की जो है पीछे का जो ये गियर बक्सा है, वहाँ से होते हुए जो है इसमें सेफ्टी दे रखी है, जिसके अंदर से ये होते हुए एक्सल है जो आगे वाले जो टायर है उसको घुमाता है। साथ में जो है ये इसके ब्रेक का ये लॉक, और ये पैर वाली रेस, ये वही हैंड ब्रेक का। और ये जो गियर दिखा दूँ इस तरफ के गियर, 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर है। और ये फाइबर का इसका डीजल टैंक। और पीछे वाले टायरों की बात करें तो गुडियर कंपनी के 18/4/30 के इसके जो है बैक टायर के साथ ये ट्रैक्टर है। हैवी फेंडर, और नीचे जो है इसमें 4 सपोर्ट दी गई है, और ये लाइटें, और जो है कंफर्टेबल सीट, ऊपर बैठ के दिखाएंगे आपको। आज ये सारे ट्रैक्टर यहाँ पे जो है डिलीवर होने के लिए जो है कंपनी ने यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है, डिलीवर होंगे ये सारे ट्रैक्टर। ये 56-30 ये रिवर्सिबल जो है PTO के साथ ये ट्रैक्टर आता है। सामने की तरफ लाइटें, और जो है थ्री पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर, माथे पे भी जो है जाली दे रखी है, जिससे जो है ठंडी हवा जो है लगातार ट्रैक्टर पे जाती रहे। नीचे भी जो है जाली अलग से जो है स्टाइलिश, तीनों तरफ से जो है ये ट्रैक्टर ठंडा होगा। और यहाँ पे भी जो है जाली दे रखी है इसमें, अंदर जो है इसके सेलअप, ये क्योंकि स्टाइलिश लुक में दे रखा है। डबल फुट स्टेप के साथ ये ट्रैक्टर है, साथ में हैंडल से जो है आप इसको पकड़ के 12+3 12 आगे के और 3 पीछे के जो गियर इसमें प्राप्त होते हैं।
ऊपर से दिखा दूँ। थ्री पीस बोनट है ट्रैक्टर का, स्टाइलिश लुक, मेटेलिक पेंट के साथ ट्रैक्टर है, पावर स्टेयरिंग। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, इसका इको मोड, इको प्लस मोड, इसको जो है आसानी से जो किसान इस तरफ कर सकता है, ऐसे जो काम करेगा ये। इसका क्या फ़ायदा है, इसको हम 45 HP, 50 HP और जो है 63 HP या फिर जो 65 HP, 75 HP जो है यहाँ से किसान इसको बना सकता है। रोड की चाल है तो उसको अलग अलग हिसाब से जो है इसमें बना सकता है। ये डीजल का फ्यूल टैंक का, और ये जो है इसका RPM मीटर, ये इसका टेम्परेचर का, और साथ में जो है डिजिटल क्लस्टर मीटर के साथ ये ट्रैक्टर दिया गया है। ये इसकी हाथ वाली रेस, और ये इंडिकेटर का स्विच इसमें दिया गया है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर जो है ये लॉन्च किया है। ये है जो है मीडियम, लो और हाई, तीन स्पीड के साथ ये ट्रैक्टर इस कंपनी ने लॉन्च किया है। और ये जो है PTO की क्लच, पीछे दिखा दें, पीछे जो है ये हैवी रिडक्शन के साथ जो ये ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है, साथ में हाइड्रोलिक जैक, जिससे जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बहुत ही हैवी लिफ्ट कैपेसिटी है, और ये एडजस्टेबल हुक है, और नीचे जो है ये PTO, और पीछे की तरफ जो है ये टूल बॉक्स, साथ में रिफ्लेक्टर, और ये डंडा उसको रखने के लिए, ये जो है हवा जो है ट्रैक्टर की वो निकलने के लिए, और डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल्व के साथ ये ट्रैक्टर है, साथ में जो है ये स्विच कपलर इसका दिया गया, पीछे जो है किसान आसानी से जो है रात में भी काम कर सके। और ये जो है इसका न्यू हॉलैंड जो है एग्रीकल्चर मशीनरी, और जो है ये 6 साल की वारंटी के साथ जो है ये ट्रैक्टर आपका आता है। फाइबर छतरी, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी जाके आप जो हमारे पेज को फॉलो करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। सभी किसान भाइयों का, ज़मींदारों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय दिया।